आज आखिर मेरे परिवार के अतीत के सारे राज मेरे सामने आने ही वाले हैं। शिखर आश्रम के उस बड़े से कमरे में शुभचिंतक के सामने खड़ा यही सोच रहा है। शुभचिंतक के चेहरे पर झरोके से आ रही सूरज की रोशनी की एक धार पड़ रही है। शिखर शुभचिंतक के सामने अपना सर ऊंचा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा दिया काम पूरा कर दिया है। अपना खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा वापस जीत आया हूं मैं, वो भी तुम्हारे दिए समय पर। शुभचिंतक धीमी सी आवाज में कहता है, तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले ही मुझे यह खबर मिल चुकी है। अगर तुम्हारे हर पल की खबर जो रखता हूं मैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शिखर शुभचिंतक की ओर बढ़ते हुए कहता है, मुझे आपकी शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने परिवार के अतीत का राज जानना है। अगर मेरे परिवार के पास इतने पैसे थे तो अब कहां गए वो पैसे? क्यों मैंने आज तक बस गरीबी ही देखी है? शुभचिंतक शिखर की बात नजरअंदाज करते हुए कहता है, तुम्हें दिए इस काम के पीछे मेरा एक ही मकसद था। इस व्यापार जगत में कितना आसान होता है अपनी प्रतिष्ठा खोना, और उसे वापस पाने में कितना समय लग जाता है। यही वो सबसे पहली सीख थी जो तुम्हारे दादाजी ने भी मुझे दी थी मेरे बिजनेसमैन बनने का फैसला करने पर। उम्मीद है अब से तुम पहले जैसी गलती फिर नहीं दोहराओगे। शिखर शुभचिंतक के सामने झुककर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। आज के बाद मैं पहले जैसी कोई हरकत फिर कभी नहीं करूंगा, मगर मुझे जो जानना है वो आप अभी भी मुझे नहीं बता रहे हैं। आप मुझसे किया हुआ वादा भूल रहे हो, वो राज बताने का वादा पूरा करने का समय आ चुका है। शुभचिंतक अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, तुम्हारे पिता का गुरूर उन्हें ले डूबा, सिर्फ अपने मन का करना बिना किसी और की बात सुने, यही हरकतें ले डूबी तुम्हारे परिवार को। तुम्हारे दादाजी का अपने व्यापार का साम्राज्य खड़ा करते ही अचानक से एक सड़क दुर्घटना में तुम्हारे दादा और उनकी पत्नी की असामयिक मौत हो गई थी और सारा भार मुझ पर आ गया था। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुम्हारे पापा और चाचा को अपने साथ रखा, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पूरे बिजनेस को अकेले ही संभाला तुम्हारे दादाजी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए। मगर बड़े होते ही तुम्हारे पिता ने किसी आस्तीन के सांप की तरह मुझे डस लिया, जिसकी वजह से मुझे उनसे अलग होना पड़ा। मैं पूरी ईमानदारी से बिजनेस का आधा हिस्सा उस बेवकूफ के नाम कर दुबई चला गया अपना अलग व्यापार करने। रोना क्या था, तुम्हारे पिता और चाचा ने मिलकर सारा बिजनेस डुबा दिया। समय के साथ ऐसा काम करते गए कि मुंह छुपा के रहना पड़ रहा था उन्हें। अंत में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी उनके पास। शिखर को शुभचिंतक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे अपने पिता के साथ समय बिताने का मौका तो नहीं मिला, मगर उसे पता था कि उसके चाचा ऐसे नहीं थे। शिखर शुभचिंतक की आंखों में देखते हुए सवाल करता है, मुझे मेरे चाचा ने आज तक इस बारे में कुछ नहीं बताया। शुभचिंतक अपनी तेज हुई सांसों को धीमे करते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य नहीं है, आखिर बताता भी किस मुंह से वो। शिखर खड़े होते हुए शुभचिंतक से पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे पिता और आपके बीच जो आप सब छोड़कर दुबई निकल गए? चेयर पर बैठा हुआ शुभचिंतक भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, ये राज जानने में अभी समय है तुम्हें। शिखर शुभचिंतक का इशारा समझ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा दिया और कोई काम नहीं कर रहा जब तक तुम मुझसे किया वादा पूरा ना कर दो। शुभचिंतक शिखर की ओर देखते हुए कहता है, मैंने अपना दिया वादा पूरा कर दिया है तुम्हें तुम्हारे परिवार के अतीत के बारे में बताकर। तुम्हारे पिता और मेरे बीच जो हुआ वो हमारा राज है, और वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ और जानना है तो पहले जाकर मेरा अगला काम करो। निराश होकर आखिर शिखर खुद को समझाता है, क्योंकि उसे पता है उसके पास शुभचिंतक की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हामी भरते हुए शिखर पूछता है, बताओ क्या करना होगा मुझे ये राज जानने को? शुभचिंतक पलट कर कहता है, तुमने मोहनती स्टील का नाम तो सुना ही होगा। शिखर भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, हाँ किसे नहीं पता, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है वो। शुभचिंतक वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें उसे बर्बाद करना होगा।
उसे अपने घुटनों पर लाम मिट्टी में मिलाना होगा। शिखर हैरान हो पूछता है, मगर क्यों? शुभचिंतक धीमी आवाज में जवाब देता है, इस बात का जवाब तुम्हें उसे बर्बाद करने की राह में अपने आप लग जाएगा। इतना बोल शुभचिंतक कमरे से निकल जाता है और वहां अकेला खड़ा शिखर अपने आप को बेबस महसूस करता रह जाता है। ना चाहते हुए भी उसे शुभचिंतक का दिया काम करना ही होगा। शिखर अपने अंदर का गुस्सा शांत करने के लिए जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगती है कुछ देर के लिए। वहां से निकल वापस अपने घर पहुंचता है शिखर। उसके मन में शुभचिंतक की कही बात बार बार गूंज रही है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहीं शुभचिंतक मुझसे कुछ गलत तो नहीं करवा रहा? मुझे आज तक बस यही लग रहा था कि शुभचिंतक जो भी कर रहा है मेरी भलाई के लिए कर रहा है, मगर क्या हो अगर शुभचिंतक ये सब बस मेरे पिता का बदला मुझसे लेने के लिए कर रहा हो? जब भी मेरे पिता का नाम ले रहा था तो शुभचिंतक बार बार गुस्से में क्यों आ रहा था? आखिर क्या राज है शुभचिंतक और मेरे पिता के अतीत का? शिखर अपने ख्यालों के जाल में खोया हुआ है कि उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शिखर दरवाजा खोलता है तो सामने दिनेश खड़ा मिलता है। दिनेश अंदर आता हुआ कहता है, मैं कहे मुताबिक मोहंती स्टील के मालिक अमित मोहंती के बारे में छानबीन करके आया हूं। शिखर और दिनेश अंदर जाकर सोफे पर बैठते हैं। शिखर पानी का एक गिलास दिनेश को थमाता है और दिनेश अपना किया जांच शिखर को विस्तार से बताने लगता है। अमित मोहंती इस देश का सबसे बड़ा स्टील का व्यापारी है। इसके पिता का एक समय पर मामूली सा व्यापार था, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज उसने देश का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया है। देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है ये। सब इसकी खूब इज्जत करते हैं, पर अपने कर्मचारियों के लिए तो ये किसी भगवान से कम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे इससे जुड़ी कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे ऐसा लगे कि ये कुछ गलत कर रहा है। शिखर उठते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा शुभचिंतक मुझसे किसी ईमानदार व्यापारी को बर्बाद करने को क्यों बोल रहा है? आखिर क्या चाहता है ये? दिनेश शंका जाहिर करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शुभचिंतक आपको इसी के लिए तैयार कर रहा था कि आपके जरिए बाकी अपने प्रतियोगी व्यापारियों को रास्ते से हटा सके? शिखर के मन में भी तब से यही चल रहा है, मगर वो ये दिनेश से छिपाते हुए कहता है, मुझे शुभचिंतक पर पूरा भरोसा है। जरूर शुभचिंतक को उस मोहंती के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, पर अपने पिता का राज जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही मुझे इस मोहंती को बर्बाद करना पड़े। तभी शिखर के फोन से आवाज आती है, उसे एक संदेश आया है। संदेश देखकर शिखर की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि संदेश शुभचिंतक की ओर से आया था, जिसमें लिखा था, तुम्हारे खाते में और 50 करोड़ जमा कर दिए गए हैं, तुम्हें जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आपका शुभचिंतक। शिखर संदेश पढ़ बबीता को फोन लगाकर कहता है, मुझे अमित मोहंती से आमने सामने एक बार मिलना है, जल्द से जल्द मेरी उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करो। अगले दिन माया शीना और शिखर से मिलने उनके ऑफिस आती है। ये वही माया थी जिसने अपने पति राजवीर की बात मानकर शीना पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे निकाल दिया था, और उसी राजवीर ने शीना के एल्बम लॉन्च के फंक्शन में भी शीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। माया को वहां देखकर शिखर का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचता है कि ये यहां क्यों आई है। शिखर ने जो कहा था आखिर में वो करके दिखाया है। शिखर की शर्त के अनुसार 3 महीने में वो अपने म्यूजिक लेबल को माया के म्यूजिक लेबल से बड़ा बनाकर दिखाएगा, और अगर उसने ये कर दिया तो माया को सबके सामने शीना से माफी मांगनी पड़ेगी। और माया उस वक्त इस बात को लेकर हंस रही थी, पर आज शिखर और शीना का म्यूजिक लेबल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और माया का म्यूजिक लेबल उसके आस पास भी नहीं था। जो बिजनेस पहले माया के लेबल के पास जाता था वो सब शिखर के पास आने लगा, और माया की कंगाल होने की नौबत आ गई थी। माया शिखर और शीना के सामने खड़ी हो जाती है और अपना सर झुका लेती है और कहती है, मैं यहां शीना से और तुमसे माफी मांगने आई हूं शिखर। शिखर गुस्से में कहता है, अब इसके लिए बहुत देर हो गई है, तुम्हें यह तब नहीं सोचना चाहिए था जब तुम्हारे पति ने शीना पर इल्जाम लगाए थे और तुमने शीना को बेइज्जत करके निकाला था।
जब तुम्हारे पति ने मेरे ही होटल में आकर मेरे ही इवेंट में शीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं जानती हूं मैंने शीना के साथ बहुत गलत किया है। जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी मैंने तभी उसका साथ छोड़ दिया। मैं राजवीर की बातों में आ गई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो शीना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, शीना प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शीना को भी माया पर दया तो आती है, पर फिर उसे याद आता है कि वो भी कुछ साल पहले माया के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी और उसने बिना तरस खाए उसे वहां से निकाल दिया था। माया कहती है, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा म्यूजिक लेबल जिसे मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया वो आज बंद होने की कगार पर है। तुम जानती हो क्यों? तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा कि बरसों की मेहनत से जो चीज तुमने बनाई हो और वो तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो जाए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरा लेबल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और मुझे ऑफिस में ताला डालना पड़ेगा। शीना गुस्से में खड़ी होती है और कठोरता से कहती है, चली जाओ यहां से और दोबारा यहां आने की सोचना भी मत। माया उससे कहती है, शीना प्लीज मेरी बात समझो, मुझे एक और मौका दो। शीना सिक्योरिटी को आवाज लगाती है। माया अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में कहती है, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और गुस्से में वहां से चली जाती है। माया के यहां से जाते ही शीना शिखर की ओर मुड़ते हुए कहती है, माफ करना, मैंने तुम पर शक किया था जब तुमने मुझसे कहा था कि माया मुझसे अपने किए की माफी मांगेगी, लेकिन आज तुम्हारा कहा आखिर में सच हो गया। शिखर शीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें जितना मेरा हाथ है उतना तुम्हारा भी है। इतना बोल दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले बस मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। शाम हो चुकी है, शिखर अपने घर पर है और तभी वहां रवि आता है। दोनों दोस्त साथ बैठकर टूर की बातें करने लगते हैं। शिखर रवि से पूछता है, टूर में इतने समय दोनों साथ थे, बात थोड़ी भी आगे बढ़ी या नहीं? रवि अपने फोन में दोनों के बीच हुई बातचीत दिखाते हुए कहता है, अब तो रोज बात करने लगे हैं हम। हर बार उसका मुझे मैसेज भेजना, मेरे हर सवाल का बस एक सेकेंड में जवाब आना, बात तो आगे बढ़ी है। शिखर सर हिलाते हुए कहता है, उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। रवि हैरान हो पूछता है, क्या मतलब? शिखर हल्के से रवि के सर पर मारते हुए कहता है, मतलब तुम्हें अब तक डेट के लिए उससे पूछ लेना चाहिए था। रवि डेट का नाम सुनते ही कहता है, मुझे नहीं लगता बबीता कभी मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मानेगी। शिखर रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जब तक पूछोगे नहीं पता कैसे चलेगा? रवि हामी भरते हुए कहता है, बात तो सही है, तो आप ही बताइए लव गुरु, बबीता से डेट के लिए कैसे पूछूं? शिखर हंसते हुए कहता है, इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। रवि अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है तू, क्यों नहीं करेगा तू मेरी मदद? शिखर हंसते हुए रवि को समझाते हुए कहता है, क्योंकि बबीता भी मन ही मन इंतजार कर रही है कि कब तू उससे डेट के लिए पूछेगा। इस बार मुझे पता है तेरे बस पूछने की देरी है, बबीता का जवाब हाँ ही होगा। रवि आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, तुझे कैसे पता उसके मन में क्या चल रहा है? शिखर रवि की आंखों में आंखें डाले कहता है, मैं अब तक एक बार भी गलत साबित हुआ हूं, बस मेरी बात मान ले और पूछ ले बबीता से डेट के लिए। शिखर की बात मान रवि बबीता को फोन करता है, मगर बबीता उसका फोन काट देती है। तभी शिखर को बबीता का फोन आता है। फोन उठाते ही दूसरी ओर से बबीता ऐसा कुछ कहती है जिसे सुन शिखर की आंखें बड़ी हो जाती है। ऐसा क्या कहा बबीता ने फोन पर? क्या शिखर रवि और बबीता को साथ में लाने में कामयाब हो पाएगा? और क्या शिखर इस बार शुभचिंतक का दिया काम कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आपका शुभचिंतक सिर्फ पॉकेट एफएम पर।